हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज में आज की हमारी ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ट्री ऑफ पारफेरी को, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशंस और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो आज की हमारी ये वीडियो सेकंड लेक्चर होगी लेक्चर सीरीज अबाउट क्लासिफिकेशन एंड थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रैक्टिस। मेरा नाम है शाहजेब मुगैरी, मैं PhD स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से। आए सीखने की कोशिश करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये क्या होती है। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नॉलेज क्लासिफिकेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, अब जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट इज सिंपली अबाउट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एज क्लेम्ड बाय कुंभार 2012। अब कुंभार 2012 ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सिंपली जो है ना कहना कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उनकी जो है सिमिलैरिटीज, उनमें जो मुशाबियत पाई जाती है उसके बिना पर और उनमें जो फर्क पाया जाता है उसके बिना पर। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द अरेंजिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू लाइकनेस एंड अनलाइकनेस। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है ये भी वही है, उसी तरह से ही बता रहा है कि आपने जो चीज़ों को जो है उनकी सिमिलैरिटीज हो और उनके जो डिफरेंसेस हो उनके बिना पर। अब किताबों में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस कौन से होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं, टाइटल के होते हैं, कंटेंट मैटर के होते हैं या कोई और जो है जो प्रॉपर्टीज हो किसी किताब की, लैंग्वेजेस के हो सकते हैं, लिटरेचर टाइप के हो सकते हैं। तो इन सारों की बिना पर अगर तो एक फैमिली से, एक सब्जेक्ट से ताल्लुक रखने वाली इंफॉर्मेशन कंटेनर्स हों, बुक्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों तो वो एक जगह पर आ जाएंगे और एक दूसरे से जो मुख्तलिफ हों तो वो दूसरी जगह पर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम अप्लाइड साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सोशल साइंसेस से अलग करके रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं, क्योंकि उनमें सब्जेक्ट का डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह से वो सारी किताबें जो अप्लाइड साइंसेस से होंगी तो उनको फिर यकजा रखेंगे और फिर उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। भाई अप्लाइड साइंसेस तो हो गई, फिर अप्लाइड साइंसेस में टेक्नोलॉजी से वाबस्तगी रखने वाली जो है कितनी है, कंप्यूटर से रखने वाली कितनी है, मेडिकल अप्लाइड साइंसेस से कितनी है, तो वो फिर फर्दर आगे क्लासिफिकेशन होती जाएगी। इट इज द स्टोरिंग, इट इज द सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, बट इन एडिशन क्लासिफिकेशन ऑफ बुक इज अ नॉलेज क्लासिफिकेशन विद एडजस्टमेंट मेड नेसेसरी बाय द फिजिकल फॉर्म ऑफ बुक। अब ये देखें, समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या कि चीज़ों को सॉर्ट करना, चीज़ों को ग्रुपिंग करना, उनके जो है नॉलेज क्लासिफिकेशन से ये थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से। नॉलेज क्लासिफिकेशन तो हम नेचुरल प्रॉपर्टीज के हवाले से उनको जो है चीज़ों को डिवाइड करते हैं, साथ रखते हैं, इसको फिर फर्दर भी डिफाइन कर रहे हैं आगे। तो किताबों के फॉर्म के हवाले से, फॉर्म जैसे डिक्शनरी है, कोई और चीज़ है, तो इन सारे जो है फर्क जो भी हों इंफॉर्मेशन कंटेनर्स में, उन फर्क और उन सिमिलरिटीज के बेऑफ पर उनको यकजा या अलग करने के अमल को जो है क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो हम कोई सिस्टमेटिकल वे में कोई क्लासिफिकेशन स्कीम को इस्तेमाल करते हुए किताबों को, डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करें, कोई एक इंफॉर्मेशन के सारे एक जगह पर आ जाएं, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन के सारे दूसरी जगह पर आ जाएं, तो ये क्लासिफिकेशन। इट इज इन लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इट यूज्ड। अब देखिए ये जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरीज में इस्तेमाल होती है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स में इस्तेमाल होती है और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल होती है। जब हम नॉलेज क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये तो कहीं पर भी इस्तेमाल की जा सकती है और चीज़ों में जो भी उनकी कुदरती तौर पर उनमें जो डिफरेंसेस हों, जो सिमिलैरिटीज हों, उनके बिना पर नॉलेज क्लासिफिकेशन। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक सिस्टम को फॉलो करती है। इसको फर्दर थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये क्या कहती है, सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर फाउंड इन ऑब्जेक्ट बाय नेचर, इफ वी डिवाइड दीज ऑब्जेक्ट बाय नेचर नेचुरल प्रॉपर्टीज देन दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज नेचुरल क्लासिफिकेशन और नॉलेज क्लासिफिकेशन। जैसे
मिसाल के तौर पर चीजों में कुदरती तौर पर कोई फर्क पाया जाए, जैसे मेल हो गया, जैसे फीमेल हो गया, जैसे चांद हो गया, जैसे सूरज हो गया, ठीक है, जैसे जमीन हो गई है, इसी तरह से और बहुत सारे सैयारे हैं, जैसे पानी हो गया, जैसे कोई और जो है लिक्विड हो गया जो नेचुरली जो है दूसरे पानी से या दूसरे सब्सटेंस से मुख्तलिफ होता है, तो ये नॉलेज क्लासिफिकेशन। ए प्रॉपर्टी विच गिव आर्टिफिशियल देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जैसे हम क्लासिफिकेशन स्कीम कहते हैं। उसमें फिर क्या आ जाता है, देखें, अब हिंदुस्तानी हो गया, पाकिस्तानी हो गया, अमेरिकन हो गया, चाइनीज हो गया, ये सारी की सारी जो हैं प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि भाई ये चीज इस जगह से ताल्लुक रखती है, ये चीज इस तरह से ताल्लुक रखती है, तो इसको जो है मैन मेड क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत जो है इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब क्लासिफिकेशन में एक चीज इस्तेमाल होती है जिसे हम नोटेशन कहते हैं। नोटेशन यहाँ पर समझने की चीज है कि नोटेशन क्या है, ये निशानी है कि कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है ये, लेकिन क्यों, गिवन थिंग्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, चीजों को वो दी जाए ताकि उनको पहचाना जा सके। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपके कबीले का नाम हो गया, आपकी कंट्री का नाम हो गया, आपके जो है फैमिली नेम हो गया, आपके दोस्तों की पहचान हो गई, आपके जो है ना कोई इस तरह से, और तो ये सारी की सारी चीजें जो है नोटेशन से। अब नोटेशन जैसे आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको नोटेशन दी हुई है हिंदुस्तानी, ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यूज होते हैं, ये जो है नॉर्म्स होते हैं और ये निशानीज होती हैं किसी चीज को रिकॉग्नाइजेबल बनाने के लिए, किसी चीज को पहचान देने के लिए। जैसे चांद हो गया, चांद को अब ये नाम दिया हुआ है, चांद जब कभी भी ये नाम हमारे सामने पुकारा जाएगा तो हमारे सामने एक सर्कल तरह का एक सयारा आ जाएगा जो रात के टाइम में चमकता है। जब सूरज, अब ये नोटेशन है, जब सूरज सन यानी कि जब नाम आएगा तो हमारे जहन में एक आग का गोला आ जाएगा कोई, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये नोटेशन दी हुई होती है ताकि उनकी पहचान की जा सके, उनको जो है समझा जा सके। तो ये बुनियादी तौर पर नोटेशन है। फिर नोटेशन के अंदर अपने बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, प्योर नोटेशन आ जाती है, मिक्स नोटेशन आ जाती है, या फिर और बहुत सारी नोटेशंस आ जाती हैं, लेकिन इनको बुनियादी तौर पर चीजों को देने का मकसद यही होता है ताकि उनको पहचाना जा सके। उसके बाद पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम का पर्पस क्या होता है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो होती हैं, ये हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स इन द मेथड मोस्ट कन्वीनियंट टू द यूजर्स एंड द लाइब्रेरी स्टाफ। अब ये जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती हैं, इनका मकसद यही होता है कि यूजर्स को जो है एक आसानी और आसान तरीका दिया जाए, आसान मेथड मुहैया किया जा सके जिससे वो आसानी से किताबों तक पहुंच सकें और उनको जो है सॉर्ट कर पाए। इसी तरह से फिर ये लाइब्रेरी स्टाफ के लिए भी है। इट प्रोवाइड्स द मैकेनाइज्ड अरेंजमेंट सूटेबल फॉर द लाइब्रेरी सो दैट ही अरेंज सो दैट द अरेंजमेंट रिमेन्स परमानेंट। अब ये जो है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती हैं ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं किस हवाले से कि जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो ये मुस्तकिल तौर पर रहे। जैसे देखें, अब एक लाइब्रेरी को आपने क्लासिफाई कर दिया, सारी किताबें लग गई, तो ये क्लासिफिकेशन जो है मुस्तकिल तौर पर रहेगी। आप वहां से जो किताब रिट्रीव करेंगे फिर उसी नंबर को देखकर आपने उसी किताब को वहीं शेल्फ करना है, ठीक है, तो ये मुस्तकिल होगी क्योंकि आपने एक सिस्टम को फॉलो करते हुए उसको जो है क्लासिफाई किया हुआ है और वो सिस्टम आपके पास मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स व्हेन एवर टेकन आउट फ्रॉम शेल्फ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स शुड हेल्प टू रिप्लेस इन देयर प्रॉपर प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई किताब आपने शेल्फ से निकाली, फिर उस शेल्फ को रेक्टिफाई करने के लिए, रीशेल्फिंग के लिए जो है, रेक्टिफिकेशन के लिए, शेल्फ रेक्टिफिकेशन के लिए आपको मदद देती है कि आपकी वही किताबें फिर अपनी उसी पुरानी जो जगह है जहां पर उनकी फैमिली मौजूद है तो वो वहां पर ही आ जाती है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स कैन हेल्प यू आउट इन बुक डिस्प्ले इन अ पर्टिक्यूलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी किताबें हो गई, आपके इंफॉर्मेशन कंटेनर्स हो गए, तो उनको जो है डिस्प्ले करने में मदद देती हैं। जैसे नेचुरल साइंसेज की किताबें, तो ये सेक्शन नेचुरल साइंसेज का है तो उनको विजिबल बनाती है।
उसके बाद लाइब्रेरी वुड अक्वायर न्यू डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयरफॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन शुड हेल्प इन फाइंडिंग द मोस्ट यूजफुल प्लेस फॉर ईच ऑफ दीज अमंग द एग्जिस्टिंग कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी. जैसे आप किताबें मंगवाते रहते हैं, ठीक है, तो उन मंगवाई हुई किताबों को आप फिर जो आपके पास पहले से पड़ी हुई उन सब्जेक्ट की किताबें हैं, तो आप उनको जो नई किताबें हैं उनको उन सब्जेक्ट की किताबों में जो है आसानी से रख पाते हैं. कंपाइलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी के बिब्लियोग्राफीज कैटलॉग्स एंड यूनियन कैटलॉग्स, ये आपको बिब्लियोग्राफीज बनाने में, आपको कैटलॉग बनाने में, यूनियन कैटलॉग्स बनाने में मदद प्रोवाइड करती है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करने में आपको मदद देती है. क्लासिफिकेशन ऑफ रेफरेंस क्यूरीज, जो भी आपके पास रेफरेंस क्यूरीज आती हैं तो उन रेफरेंस क्यूरीज को क्लासीफाई करने में मदद देती है. क्लासिफिकेशन ऑफ सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर्स, जो सजेशंस आप रिसीव करते हैं यूजर्स की तरफ से, उनको क्लासीफाई करने में मदद देती है. अब ये जो है सजेशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, किताबें जो है किताबों की डिमांड के हवाले से इसको यहाँ रखा जाए, ये किया जाए, तो ये मुख्तलिफ डिमांड्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ जो है सजेशंस हो सकती हैं जो आप यूजर्स की तरफ से रिसीव करते हैं, उनको क्लासीफाई करने में मदद देती है. फिलिंग आउट नॉन बुक मटीरियल सच एज फोटोग्राफ्स, फिल्म एंड इस तरह से, और बहुत सारे जो है दूसरे फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनको जो है फिल करने में, उनको जो है फाइलिंग करने में आपको मदद देती. तो ये थी आज की हमारी सेकंड लेक्चर. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. बहुत शुक्रिया.